हेलो एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सितंबर 18 से 5 दिनों का पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाया गया, जहां पे जो प्राइमरीली जो डिस्कशन किया जाएगा वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में किया जाएगा। जो सबसे पहला इंप्रेशन दिमाग में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पड़ता है वो ये पड़ता है कि देश को तकरीबन 4.5 साल का वक्त मिलेगा फंक्शन करने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपने जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है, उसको करने के लिए तकरीबन 4.5 साल का वक्त लगेगा। हालांकि ये चीज़ इतना आसान भी नहीं है और ये चीज़ इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके अपने चैलेंजेस है, इसके अपने बेनिफिट्स और इसके अपने नुकसान हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में आज के दिन ही काफ़ी एक बेहतरीन आर्टिकल छपा है, जहां पे चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन किया गया है। और इस पूरे आर्टिकल में वैसे लोगों से बात किया गया है जो अपने टाइम पे या तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं या तो वो काफ़ी हाई रैंकिंग पोजीशन पे रह चुके हैं, जिनके अंडर में इलेक्शंस को कराया गया था। ध्यान रखिएगा, अब तक ये सिर्फ जो एजम्पशन है, ये जो इंटरव्यू के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ रहा है ये वो है। जब तक कि किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में आप नहीं करते हैं तो उसका जो रियल चैलेंजेस है वो कभी भी मालूम नहीं पड़ सकता है। तो जब आप इस न्यूज़ को देखें या पढ़ें या सुने तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारा नज़रिया है, वो काफ़ी न्यूट्रल रहे। 2022 में जो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्रा जी, वो कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कम्प्लीटली तैयार है भारत में एक बार चुनाव करवाने के लिए राज्यों के और सेंटर के। हालांकि वही दूसरी तरफ जो अभी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, वो इस चीज़ पे कुछ नहीं कहते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। 30 लाख ईवीएम और वीवीपैट चाहिए होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और 30 लाख ईवीएम और वीवीपैट को स्टोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसिव टास्क है। ये सिर्फ आपका जो सेंटर है वो इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या इतने बड़े जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सिर्फ सेंटर इसको नहीं कर सकता है विदाउट द कोलैबोरेशन ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस, उतने बड़े पैमाने पर जो सेंट्रल फोर्सेस का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, वो कहाँ पे रहेंगे, उतनी गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी, ये तो वो है जब जैसे कि इलेक्शन के टाइम में उतने सारे फोर्सेस कहाँ से आएंगे, उतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ आएंगी, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा उसके फिर मेंटेनेंस में कॉस्ट लगेगा। जब स्टेट और सेंटर का जब चुनाव एक साथ जब होना शुरू होता है तो उस वक्त बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, जो आंगनबाड़ी स्टाफ होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि राज्यों का और सेंटर का जो चुनाव है वो एक साथ होगा तो क्या हमारे पास इतना मैन पावर है, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में उतने टीचर हैं जो इतने बड़े जो मैसिव इलेक्शन से उसको करा सकें? अगर वो हैं भी तो उनको कितना उनको ट्रेनिंग मिला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इनके जो मेंबर्स होते हैं बहुत लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि भारत में जो चुनाव के टाइम पे जो सपोर्टिंग हैंड होता है वो मेजरली आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, और बहुत हद तक आपके जो स्टेट के फोर्सेस होते हैं मशीनरी होते हैं। तो ये भी काफ़ी अपने आप में देखने वाली बात है कि किस तरीके से इतना जो मैसिव, यानी कि जो 30 लाख ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है, उसको आप कहाँ पर स्टोर करेंगे। दूसरी बात, इतना बड़ा जो मूवमेंट होगा फोर्सेस का, वो फोर्सेस कहाँ रहेंगे, उनका मेडिकल फैसिलिटीज कैसे मेंटेन किया जाएगा, खर्च कौन बेयर करेगा, किस तरीके से जो स्कूल या कॉलेजेस के जो टीचर रहेंगे या लेक्चरर्स रहेंगे वो किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन के टाइम में वो उनको मैनेज किया जाता है, किस तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले बताया और जैसे कि एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबल है। और इनफैक्ट 1967 के पहले जो चुनाव थे वो एक साथ ही होते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि गठबंधन का सरकार होना शुरू हो गया, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी किसी और को सपोर्ट किया, कभी किसी और ने कभी किसी और को सपोर्ट किया अपने फायदे के अनुसार। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो सेंटर और स्टेट का जो इलेक्शन है वो आपस में सिंक नहीं हुआ, सिंक मतलब एक साथ वो नहीं चल पाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अपने मतलब उसके बाद से फिर जो इलेक्शन था वो कभी किसी और टाइम पर, कभी किसी और टाइम पर, कभी बाईपोल हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी कुछ और हो गया। और जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि जो ईवीएम मशीन होता है इसका लाइफ बस 15 ईयर्स ही होता है, यानी कि हर 15 साल में जो ईवीएम मशीन है उसको आपको रिप्लेस करना होता है। तो फिर उतने बड़े जो रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट होगा वो कौन बेयर करेगा, वो किस तरीके से बेयर करेगा,
और इनफैक्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने रिपोर्ट पब्लिश किया था 2015 के आसपास में, तो उसने भी ये बताया था कि इतना बड़ा जो मैसिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना होगा ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक हमारे पब्लिक डोमेन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर पार्लियामेंट में फुल फ्लेज डिस्कशन कभी हुआ नहीं है, तो एक आम जनता एक कॉमन जनता के लिए जो रियल टाइम में जो चैलेंजेस है उसको अज्यूम करना उसको सोचना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जब सितंबर 18 से जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि पक्ष किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से जो अपोजिशन है वो इस वन नेशन वन इलेक्शन को अपोज करते हैं या किन किन पॉइंट्स पे वो इसको अपोज करते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।